जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
शिशुपाद परमहंस प्रवाचकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवाचकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन धाम की, मथुरा वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की, समस्त कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। समस्त कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। समस्त कथित भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्णा। प्रभु जी आज टाइम कितना है हमारे पास, थोड़ा बढ़ा सकते हैं? अगर थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो एक भजन गाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर का, चलेगा? ठीक है। आज वैसे भी कीर्तन मेला है दिल्ली मंदिर में। अच्छा, हम ये भजन गाएंगे जीव जागो गोरा चांद बोले। ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा हुआ भजन है, जिनको आता है वो तो गा ही सकते हैं, नहीं तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं। जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले, कत पिशाची रकोले, जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो भजी बलिया ऐसे संसार भितारे, भजी बलिया ऐसे संसार भितारे, भूलिया रहिले तुमी अविद्या भारे, अविद्या भारे, जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो लहिते आमी हैनु अवतार, तुम्हारे लहिते आमी हैनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, आमी बंधु आर के आछे तुमार, जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो। इने चियोषधि माया नशीवार लागी, ने चियोषधि माया नशीवार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मांगी, हरि नाम
नाम महामंत्र लाओ तुमी मांगी जीव जागो गोरा चांद बोले भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया से ही हरि नाम मंत्र लाइलो मांगिया से ही हरि नाम लाइलो मांगिया जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो गोरा चांद बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विनोद ठाकुर महाराज की ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यक्ष कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सब लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है और सौभाग्यवश मुझे मौका दिया गया है भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कुछ कहने का, उनका गुणगान करने का। एक्चुअली देखा जाए तो ये ऐसा है जैसे किसी जुगनू को कह दिया जाए कि आप सूर्य के बारे में सूर्य का अंकन करें, सूर्य के बारे में बताएँ,
तो जुगनू की क्या हैसियत है, क्या औकात है? तो हमारे जैसा जो साधक, प्राकृत साधक है, भक्त जो अभी साधना कर रहा है, अपने आप को प्यूरिफाई करने का प्रयास कर रहा है, वो क्या भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कह सकेगा? लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम नहीं कह सकते उनके बारे में कुछ भी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इतनी महान परंपरा से जुड़े हुए हैं, श्री प्रभुपाद के द्वारा जो परंपरा आ रही है, हमें अधिकार है कि हम ऐसे महान महाभागवत आचार्य के बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो मैंने जो गुरुजनों से सुना है, जो भी कुछ अभी तक प्राप्त किया है, मैं आपसे उसको शेयर करने का प्रयास करूँगा। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर, 1838 में उनका जन्म हुआ था। उनके बारे में समझने के लिए, जानने के लिए, हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि वो किस काल में वो आए थे। मेरे ख्याल से आप सब लोग तो पुराने भक्त हैं, आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं एक अलग तरीके से प्रयास कर रहा हूँ उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उनके योगदान को हमारे संप्रदाय में समझाने का। तो 5000 वर्ष पूर्व, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर विराजमान थे और उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया, तो गीता के कंक्लूजन में उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने कहा कि शरणागति ही सार है, शरणागति करनी है, और शरणागति कैसे करनी है इसको समझाने के लिए स्वयं फिर से वो यत्न करके आए राधा और कृष्ण युगल अवतार के रूप में, आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और अपनी उस भौम लीला में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो आए, तो उन्होंने ये समझाया कि शरणागति कैसे करनी है। सन 1486 में 14 फरवरी के दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, और करीब 40 वर्ष उन्होंने इस धराधाम पे अपनी लीला करी। और उन 40 वर्षों में उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को इस पृथ्वी पे स्थापित कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा समय आएगा जब सारे संसार में मेरा नाम लिया जाएगा। और 40 सालों के अंदर इस तरीके की व्यवस्था कर वो चले गए। उनके मुख्य परिकर कौन कौन उनके मुख्य परिकर हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी यानी षट गोस्वामी गण, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, इस प्रकार के महान आचार्य भगवान की इस लीला में उनका सहयोग करने के लिए उन्हीं के धाम से, उन्हीं के निज परिकर उनके साथ आए इस संसार में, और उनका सहयोग करने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी लीलाएं करी, अपना अपना योगदान दिया। तो 1486 में आए, लगभग 1530 के आसपास तक चैतन्य महाप्रभु चले गए, और उनके जो मुख्य परिकर थे यानी रूप गोस्वामी, षट गोस्वामी गण, वो अगले 100 सालों तक काफ़ी महत्ता के साथ, काफ़ी जोर के साथ प्रचार करते रहे। उनके जो हमारी गुरु परंपरा गीता में दी गई है, हम सबको पता होनी चाहिए हमारी गुरु परंपरा क्या है। तो उस गुरु परंपरा के अंदर बताते हैं कि रूप गोस्वामी आए, उसके नीचे फिर जीव गोस्वामी आए, उसके नीचे फिर नरोत्तम दास ठाकुर, उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसके बाद बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण एक ऐसे आचार्य थे जो कि करीब 17वीं शताब्दी में प्रकट हुए और 1750 तक इस धराधाम से चले गए। बलदेव विद्याभूषण ने बहुत ही महान कंट्रीब्यूशन किया वैष्णव सिद्धांत को रखने के लिए। उस समय में जयपुर के अंदर, ये कथा सबको पता होगी, जयपुर के अंदर एक बहुत रामानंदी संप्रदाय के वैष्णवों ने ये आक्षेप लगाया गौड़ीय वैष्णवों पे कि आपके पास कोई भी वेदांत सूत्र की कमेंट्री नहीं है, तो आप प्रामाणिक संप्रदाय नहीं हैं। और इसलिए उन्होंने राधा गोविंद देव जी के मंदिर में राधा रानी की सेवा को बंद करवा दिया। और इस चीज़ की रक्षा करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद उस समय शायद 100 वर्ष से ऊपर की अवस्था में थे, तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को जयपुर भेजा, और उन्होंने राजा के दरबार में रामानंदी संप्रदायों के वैष्णवों के साथ में तर्क वितर्क कर और सिद्धांत के आधार पर उनको हराया। और आई थिंक कुछ महीनों के अंदर उन्होंने एक कॉमेंट्री लिखी वेदांत सूत्र पे, जो स्वयं भगवान द्वारा डिक्टेटेड थी गोविंद भाष्य के नाम से। तो ये उस समय के बाद ये एक आखिरी आचार्य थे जिन्होंने बहुत महान लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन किया वैष्णव समुदाय के लिए। उसके बाद जो अगला 150 साल का जो समय आया, उसको कह सकते हैं एक अंधकारमय समय था वो वैष्णवों के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसा महान आचार्य उस समय उपलब्ध नहीं था जो वैष्णव सिद्धांतों को ठीक प्रकार से रख सके।
वैष्णवता के नाम पर बहुत सारे दुष्कर्म किए जा रहे थे। वैष्णव सिद्धांतों को आड़ में लेकर उनके पीछे छुपकर हर तरीके का कुकर्म किया जा रहा था। जैसे कि एक वैष्णव सिद्धांत है कि गुरु जो है वो भगवान के समान है, गुरु को हमें वही सब कुछ अर्पित करना चाहिए जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। गुरु को हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो हमारे पास है हमें दे देनी चाहिए। तो जो ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, उन्होंने क्या कहा, उनके पास एक शिष्य आया, नवविवाहित शिष्य आया, उसको बोला बेटा गुरु को क्या देना चाहिए, गुरुजी शिष्य को अपने गुरु को सब कुछ सबसे उत्तम जो है वो अर्पण कर देना चाहिए। तो बेटा तुम्हारे पास क्या सबसे उत्तम है, मैं अभी अभी अपनी पत्नी लेके आया हूँ, नवविवाहित पत्नी, तो ठीक है इसको तुम्हें पहले मुझे देना चाहिए, फिर प्रसाद रूप में मैं तुम्हें इसे दूंगा, तब तुम उसको ग्रहण करना। ये एकात नहीं होता था, हर जगह हर समय ऐसा होता था। जब गुरु सिद्धांतों से विहीन हो जाते हैं तो अपना उदर पोषण करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी एक धनी शिष्य को ढूंढ लेते हैं और उसके मन की बात उसको कहते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा हैवी है, हैवी यानी आकार में हैवी नहीं है, जो सिद्धांतों में हैवी है, ये गुरु का मतलब होता है। तो गुरु जब अपनी हैवीनेस को लूज कर जाता है, अपने भार को लूज कर जाता है, उस टाइम पे वो क्या करता है, अपने उदर पोषण के लिए वो धनी शिष्यों का दास बन जाता है। जब आपको किसी से धन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मन की बात उससे करनी पड़ेगी। तो ऐसे कई सारे गुरु हो गए जो अपने शिष्यों के निज दास बन गए। उनका काम क्या था, अपने शिष्यों के भोग में सहयोग करना और खुद भी भोग करना। वैष्णवता का सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वह विप्र किव न्यासी शूद्र के नाये जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। यानी समाज में जो गलत जातिवाद फैला हुआ था उसको चैतन्य महाप्रभु ने खत्म कर दिया। लेकिन इसका अब सिद्धांत क्या स्थापित किया लोगों ने, कि जो वैष्णव है उसको किसी भी प्रकार के मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको किसी व्यक्ति को गुरु का आशीर्वाद मिल गया उसके बाद उसके लिए कोई मॉरल कोड्स लागू नहीं होते। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट यह हुआ कि वैष्णव समाज के अंदर, सो कॉल्ड वैष्णव समाज के अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स का हनन हो गया। लोग जो हैं ऐसी हरकतें करने लग गए जो कि किसी भी प्रकार से शोभायमान नहीं है। यानी जो सो कॉल्ड गुरुज हैं, सो कॉल्ड प्रीचर्स हैं, वो अपने साथ अलग अलग स्त्रियों को बदलने लगे, रखने लगे अपने साथ शिष्याओं के रूप में, अपने शिष्यों का धन अपने लिए अर्जित करने लग गए, खुद भगवान की भूमिका निभाने लग गए। तो रूप गोस्वामी ने तो प्रिंसिपल दिया था शुद्ध भक्ति का, उन्होंने क्या कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। यानी क्या शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति है अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषा क्या होती है, कृष्ण की सेवा के बिना, सेवा के अलावा अगर आपके हृदय में कोई भी अभिलाषा है तो वो अन्याभिलाषा है। और क्या अन्याभिलाषा है, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा को पूरा करने की इच्छा, ये अन्याभिलाषा है। यानी क्या, यानी व्यभिचार करना ये अन्याभिलाषा है, यानी मांस भक्षण करना ये अन्याभिलाषा है, यानी जुआ खेलना ये अन्याभिलाषा है, नशा करना ये अन्याभिलाषा है। इन प्रकार की किसी भी इच्छाओं से रहित अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान यानी मायावाद, मायावाद के दूषण से रहित होना, कर्मादि कर्म, कर्म फल की इच्छा से कर्म करने के सिद्धांत से दूर रहना, और आदि आदि यानी कि योग की साधना या जिस प्रकार के भी अलग अलग तरीके आज की डेट में या उस समय में उपलब्ध थे सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए, उन सब को छोड़ देना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की भक्ति के लिए जो अनुकूल है, कृष्ण का कृष्ण के पीछे चलना, कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, यह उत्तम भक्ति है। तो यह जो 100-150 वर्ष का जो समय था, इस समय इस शुद्ध भक्ति के सिद्धांत का पूरी तरीके से बलात्कार कर दिया गया।
यानी भक्ति का मतलब हो गया अपनी अभिलाषाओं को भक्ति के नाम पे पूरा करना। समाज में ये धारणा उपलब्ध हो गई कि अगर आपको सामाजिक नियमों का पालन नहीं करना है तो आप वैष्णव बन जाइए। किसी को वैष्णव करना कहना गाली देने के समान हो गया। तो समाज का जो अग्रणी भाग है, जो उच्चतम भाग है, उसने वैष्णवता को पूरी तरीके से नकार दिया। समाज का जो पतित वर्ग है, जो सिद्धांतों को नहीं समझता, जो शूद्र हैं, जो भक्ति के सिद्धांतों को नहीं समझते और जो भोग करना चाहते हैं येन केन प्रकारेन, उन्होंने सो कॉल्ड भक्ति को स्वीकार कर लिया और ये सारा समाज, भक्तों का समाज दूषित हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उस समय जो हमारे ग्रंथ हैं चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, ये भी उपलब्ध करना मुश्किल हो गया था। तो ऐसे महान अंधकार के समय में भक्ति विनोद ठाकुर का उदय हुआ 1838 में। भक्ति विनोद ठाकुर का सबसे बड़ा जो योगदान है वो वैष्णवता को उसके उच्च स्थान पर ले जाना, ये उनका योगदान है। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने इस कार्य को किया। बट उस डिस्कशन से पहले मैं एक प्रश्न यहां पर रखना चाहता हूं कि जो 150 सालों में, उस 150 सालों के अंतराल में जो हुआ, क्या वो तभी हुआ? अब वो नहीं हो सकता क्या? अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो तब क्यों हुआ और अब कैसे होगा और हम उसे कैसे रोकें? तब वो इसलिए हुआ कि जो भक्ति के मूलभूत सिद्धांत हैं उनको छोड़कर जो ऊपरी आवरण है, भक्तों ने जब सिर्फ उसको स्वीकार कर लिया और सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया, तब ऐसा हो पाया। जब यह माना जाने लगा कि जो अष्ट सात्विक विकार चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए थे, वो विकार किसी व्यक्ति के होने के अंदर होना जरूरी है उसको भक्त मानने के लिए, बट सिद्धांतों का होना जरूरी नहीं है, तब ऐसा हुआ। एक इंस्टेंस आता है। एक बार आई थिंक ये खेतुरी महामहोत्सव जो हुआ था उसमें हमारे षट गोस्वामी गण मौजूद थे और उसमें बहुत सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे। शायद षट गोस्वामी तो नहीं थे बट कोई कुछ आचार्य थे उस समय। तो बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था और कीर्तन इतना मधुर हो रहा था कि हर व्यक्ति, हर जीव, भले वो भक्त हो या ना हो, उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो वहां पर एक आचार्य विराजमान थे जिनकी कोई हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं था। तो आसपास के लोगों ने उनसे पूछा कि इतना सुंदर कीर्तन चल रहा है और आपके अंदर, आपका कैसा आपका हृदय है, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, आपकी आंखों से अश्रुपात ही नहीं हो रहा। उसी समय उस वैष्णव का शरीर इस व्यक्ति से छू गया और छूने के कारण उसका हाथ जल गया। जैसे आग पे अगर हाथ रख दिया जाए तो जिस प्रकार से जल जाता है, उस प्रकार से आग से उसका हाथ जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि वो वैष्णव इस महान भावों को अपने हृदय में समेट के खड़ा हुआ था। वो उनको पब्लिकली व्यक्त नहीं कर रहा था, वो उनको बेच नहीं रहा था उन भावों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो दूसरों के अंदर भाव व्यक्त हो रहे थे वो गलत थे, लेकिन ये वैष्णव ये उदाहरण रख रहा था कि जब हमारे समाज में, हमारे सामने नए नए लोग उपस्थित होते हैं, उस समय हमें अपने आप को साधना होता है। उस समय उन भाव, अपने भावों को हम व्यक्त नहीं कर सकते पब्लिक के सामने, नहीं तो लोग वही करेंगे जो हुआ। तो भक्ति बहुत सस्ती बन गई क्योंकि सिद्धांतों के बारे में किसी ने सोचना बंद कर दिया। किसी ने यह नहीं समझा कि गुरु को भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन गुरु जो है सेवक भगवान है, वो सेव्य भगवान नहीं है। यह सिद्धांत है, आचार्यों ने दिया है हमको। ये शिष्य के लिए जरूरी है कि वो बेस्ट चीज गुरु को दे, बट ये गुरु के लिए भी आवश्यक है कि वो बेस्ट चीजों में से एक भी चीज, एक तिनका भी अपने निजी उसके लिए स्वीकार ना करे। ये भी सिद्धांत है। तो धूर्त लोगों ने क्या किया? अर्ध कुकुटी न्याय, आधा न्याय आगे रखा, आधी बात आगे रखी। शिष्य का सिद्धांत तो बताया लेकिन गुरु की परख कैसे करनी है ये कभी नहीं बताया। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे तो आप हर जगह देखेंगे कि गुरु की परिभाषा दी गई है। प्रभुपाद जी अपने ही सामने अपने का ही चयन करने के लिए सिद्धांत बता रहे हैं। मैंने अपने आचार्य, अपने गुरुदेव से सुना है कि अगर आप मुझे पाओ कि प्रभुपाद के सिद्धांतों से मैं दूर जा रहा हूं तो मुझे गोली मार देना, ऐसा गुरु कहते हैं।
जो सदगुरु हैं वो इस सिद्धांत को रखते हैं कि गुरु का अंकन कैसे करना है। तो ये अगर तब हुआ तो ये अब भी हो सकता है। अगर हम वैष्णव सिद्धांतों को सामने नहीं रखेंगे, उनका प्रचार नहीं करेंगे और उनको ठोक बजाकर नहीं कहेंगे, अगर हम शिष्यों के अधीन हो जाएंगे, उनके धन के अधीन हो जाएंगे, तो ये फिर से होगा। इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि समाज में हिपोक्रेसी फैल गई। यानी गुरु तो ऐसे जो शिक्षा देना नहीं चाहते, वो क्या करना चाहते हैं, वो शिष्यों का शोषण करना चाहते हैं, शिष्यों से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और शिष्य क्योंकि वो मूर्ख नहीं है और गुरु को देख रहे हैं कि गुरु का क्या आचरण है, तो वो भी इनसिंसियर हो गए, वो भी गुरु को सिर्फ शोभा पुरुष की तरह मानने लग गए। गुरु के निर्देशों में उनको कोई रुचि नहीं रही क्योंकि वो देख रहे थे कि गुरु का जो काम है वो नहीं है जो उसको करना चाहिए, जो कर रहा है वो नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए। इसीलिए उस समय समाज में हिपोक्रेसी फैल गई। हिपोक्रेसी को क्या कहते हैं, ढोंग पाषंड, पाखंड फैल गया, पाषंड फैल गया समाज के अंदर। तो ये फिर से हो सकता है अगर हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास ना हो कि भगवान ही हमारे मेंटेनर हैं, और अगर हम ये सोचने लगे कि धनी जो व्यक्ति, जो दान देने वाला व्यक्ति है वो हमारा मेंटेनर है, तो हम सत्य सिद्धांत को प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस ये 150 वर्ष का जो पीरियड था जिस समय भक्ति विनोद ठाकुर आए, उस समय यही हो रहा था, हर तरफ यही फैला हुआ था। जो बचे कुचे थोड़े बहुत जो असली रियल वैष्णव्स थे, वो या तो थोड़े गृहस्थ थे या फिर वो कोई बाबा जी थे जिनके हृदय में ये कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कोई रिफॉर्मेशन करूं समाज के अंदर, भक्त समाज के अंदर। वो अपने आप को इस असंग से, इस दुष्संग से बचाते हुए अपनी साधना में लगे हुए थे। तो ऐसे समय में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव हुआ 1838 के अंदर। वो एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेके आए, एक ऐसी क्रांति लेके आए वैष्णव समाज के अंदर कि उन्होंने इस वैष्णव समाज को वापस उसी ग्लोरी पे स्थापित कर दिया जहां पर ये बिलोंग करता था, जहां पर होना चाहिए था। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पिताजी का नाम था राजा कृष्णानंद, जो कि नित्यानंद प्रभु के बहुत महान भक्त थे। और भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही संभ्रांत, बड़े अच्छे परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था, बहुत रिच फैमिली के अंदर, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ था। बट 11 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का निधन हो जाता है और उसके बाद जो उनकी पैतृक संपत्ति है वो उनसे किसी कारणवश उनके परिवार से छिन जाती है। उसके बाद कुछ समय तक वो एक ऐसी लीला करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जिसमें भौतिक कष्टों से व्याप्त रहता है समय, और उस समय वो ये लीला प्रकट करते हैं कि किस प्रकार से वो अपने जीवन के जो मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। अलग अलग वैष्णव सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांतों को, अलग अलग रिलीजन्स को स्टडी करते हैं और इस कंक्लूजन को स्थापित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएँ हैं वो ही सर्वोपरि हैं, वो ही सर्वोत्तम हैं, और उनसे ही जीवन की जो मुख्य समस्याएं हैं उनका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कोई उनको सही वैष्णव दिखता ही नहीं है जो सही तरीके से इन शिक्षाओं को दे सके। बहुत छोटे मोटे, थोड़े बहुत उनको कहीं कहीं पर ऐसे लोग नजर आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप में बहुत बहुत ही एफिशिएंट पर्सन थे, बहुत ही सक्षम व्यक्ति थे। और जैसे फॉर एग्जांपल 12 साल की अवस्था में उन्होंने, 12 वर्ष की अवस्था में पुस्तक लिखी थी। 23 साल की उम्र में वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट बन गए थे एक जिले के। तो हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी ऐसी सक्षमताएं थीं जिसको उन्होंने यूज़ करके भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित किया। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से वैष्णव समाज के अंदर उपद्रव मचा हुआ था, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बीड़ा उठाया कि इस वैष्णव समाज को मुझे सही स्तर पे लाना है। और जितनी भी शक्ति उनके पास थी, जितनी भी सक्षमता उनके पास थी, उसको उन्होंने इसका इस्तेमाल किया इस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए। कई कई तरीके की किताबें लिखी अपने जीवन काल में, उन्होंने करीब 100 पुस्तकें लिखी। चैतन्य चरितामृत पे, श्रीमद् भागवतम पे कॉमेंट्री लिखी,
और जो ये अपसंप्रदाय थे, जो ये ढोंगी गुरु थे, उनका अपोजिशन किया। उदाहरण के तौर पे एक बार उनकी पोस्टिंग चंपारण में हुई। चंपारण में एक विचित्र सी बात मशहूर थी, वो न्यायाधीश थे, तो विचित्र सी बात मशहूर थी कि अगर किसी को न्याय चाहिए, अगर किसी को अपने फेवर में अपने तरफ निर्णय चाहिए, तो पीपल के नीचे एक भूत है, उसके पास जाके प्रार्थना करे, कुछ अर्पण करे, तो निर्णय उसके फेवर में ही होगा। भक्ति विनोद ठाकुर के कानों में ये बात पहुंचती है। वो चाहते थे समाज के सामने उदाहरण रखना कि कैसे वैष्णवता और कैसे श्रीमद् भागवतम सबके ऊपर है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को की सेवा लगाई और उस पेड़ के नीचे एक महीने तक श्रीमद् भागवतम का पाठ कराया। एक महीने के अंदर, एक महीने के बाद वो पेड़ अपने आप ही टूट के गिर गया और वो जो भूत था वो वहाँ से डिलीवर हो गया। तो वहाँ का जो पूरा इलाका था वो इससे बहुत प्रभावित हुआ। उनको लगा कि किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम का सहारा लेकर एक भूत को भी डिलीवर कर दिया। ये सत्य घटना है, रिकॉर्डेड है। इसके बाद वो उनकी पोस्टिंग पुरी की तरफ हुई, पुरी में हुई। वहां पर एक अपसंप्रदाय का एक लीडर था, उसका नाम था बीसा कृष्णा। बीसा कृष्णा क्या था, एक बड़ा महान तांत्रिक था, उसके पास कई सारी तांत्रिक सिद्धियां थी। वो ये कहता था कि मैं महाविष्णु का अवतार हूं, और उसके दो सेवक थे, अनुयायी थे, जिन्होंने एक का नाम ब्रह्मा था, एक का नाम सदाशिव था। तो तीनों त्रिमूर्ति बनकर, तीनों त्रिमूर्तियां वहां के उड़ीसा में, क्या है, उड़ीसा की घटना है, उड़ीसा के पास की घटना है। उड़ीसा के अंदर कई छोटे छोटे राजा होते हैं। जैसे हमारे दिमाग में एक राजा का कॉन्सेप्शन है कि बहुत महान एक राजा होगा, बड़ा महान साम्राज्य होगा, बट वहाँ गांव गांव कस्बों कस्बों में छोटे छोटे राजा होते हैं। तो ये बीसा कृष्णा उन राजाओं से, उनको डराकर, अपनी तांत्रिक शक्तियों से डराकर उनसे धन वसूलता था और उनसे त्रिमूर्ति का मंदिर बनवा रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर बनवा रहा था अपने लिए। वो राजा उसको धन भी देते थे, उसको स्त्रियां भी सप्लाई करते थे ताकि वो उनके साथ में रासलीला कर सके। इस तांत्रिक के पास ये शक्तियां थी कि अपने सर से वो अग्नि निकालता था। तो और ये कहता था, उस समय ब्रिटिश राज था, तो ये कहता था कि मैं, ये ब्रिटिशर्स जो हैं, मैं महाविष्णु हूं और मैं कुछ ही समय में ब्रिटिशर्स को इस राज्य से खदेड़ दूंगा और मैं स्वयं यहाँ का राजा बनूंगा उड़ीसा का। तो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश राजा जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसको उसने बोला कि ये एंटी नेशनलिस्ट काम कर रहा है, इसको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन उस ढोंगी का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि वहाँ की जितनी भी पुलिस थी, वहाँ के जितने भी सैनिक बल था, उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके उसको अरेस्ट कर सके। तो उन लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी सहायता करिए इसको पकड़ने के लिए। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर उसके पास मिलने जाते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है, बीसा कृष्णा कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लेकिन तुम मेरे साथ में पंगा मत लो, यहाँ से चले जाओ। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भी आपकी महानता को जानता हूँ, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके आप पुरी चलिए और जगन्नाथ जी के दर्शन करिए वहाँ पर जाके। तो ये दुष्ट कहता है, अरे वो जगन्नाथ कौन है, वो तो लकड़ी का टुकड़ा है, उसके पास कौन जाएगा, ये जीता जागता जगन्नाथ यहाँ पे मौजूद है। और उसका ऐसा कहना था कि भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने आओ देखा ना ताओ उसको पकड़ा और अपने संग में जेल में ले गए, उसको डाल दिया जेल के अंदर जाके। 18 दिन तक उसके ऊपर केस चलाया गया। केस जब चल रहा था तो उसके 7वें दिन जो भक्ति विनोद ठाकुर की बिटिया थी, बेटी थी, उसको बहुत जबरदस्त बुखार आता है और किसी को समझ में नहीं आता कि इसका क्या इलाज है। तो वो योगी कहता है कि देखो मैं अपनी शक्तियां दिखा रहा हूं, अभी भी संभल जाओ नहीं तो ये मर जाएगी। एक दिन बाद वो बुखार अपने आप जिस तरीके से आया था वैसे चला जाता है। तो योगी कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सैंपल दिया है, अगर तुम अभी भी नहीं संभलोगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जगन्नाथ जी का जो विद्रोही है, जगन्नाथ जी का जो द्रोही है, उसको किसी कीमत पर भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वो कंटिन्यूअसली 18 दिन तक उस पे वो केस चलाते रहते हैं। 18वें दिन स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर भी उसी प्रकार की विपदा आती है, स्वयं उनके ऊपर भी वैसे ही बुखार आता है, बट फिर भी भगवान के, क्योंकि ये तो नित्य परिकर है, कोई बुखार इनका क्या उखाड़ेगा। तो 18वें दिन उस एक दिन के बुखार के बाद वो बुखार चला जाता है और भक्ति विनोद ठाकुर इनको 1.5 साल की सजा सुनाते हैं कि आपने देशद्रोह किया है, इसलिए आपको 1.5 साल की सजा दी जाएगी। तो जब ये सजा दी जाती है तो उस समय वहाँ पे हजारों लोग इकट्ठे होते हैं जो इस बीसा कृष्णा के फॉलोअर्स हैं, जो उसको निकालना चाहते हैं वहाँ से। उनसे डरे बिना भक्ति विनोद ठाकुर ये सजा सुनाते हैं।
जेल के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है, वो इस योगी के बाल काट देता है, और ये योगी ने 18 दिन से कुछ भी खाना पीना जल अन्न ग्रहण नहीं किया था, बट ये शक्ति अपने बालों से लेता था। तो जैसे ही इसके बाल काटे जाते हैं ये तुरंत धरा पे गिर जाता है, जैसे कि मतलब ऑलमोस्ट मरा हुआ है। और फिर इसको लोग जेल में ले जाते हैं, लोगों को पता लग जाता है कि ये किस प्रकार का ढोंगी था। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने दूसरा ऐसा महान कार्य किया जहाँ पर अपर संप्रदाय के जो लोग हैं, जो गुरु हैं, जो सो कॉल्ड भगवान हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाया। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे और काम किए भक्त समाज को, वैष्णव समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उन्होंने एक वैष्णव संसद का आयोजन किया पुरी में रहते हुए। इस वैष्णव संसद में उन्होंने सभी जो वहाँ के महान वैष्णव थे, जो वहाँ के अच्छे भक्त थे, उनको बुलाया। तो वहाँ पर एक बाबा जी हुआ करते थे, रघुनाथ दास बाबा जी पुरी के अंदर। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर की इस संसद को इग्नोर किया। उन्होंने समझा कि ये न्यायाधीश गृहस्थ, ये क्या भक्ति के बारे में बात करेगा, हम तो बाबा जी हैं, हम ज़्यादा ऊँचा स्थान रखते हैं। तो स्वयं जगन्नाथ जी रघुनाथ दास बाबा जी महाराज के स्वप्न में प्रकट होते हैं और उनकी निंदा करते हैं। उनको भक्ति विनोद ठाकुर के जो जो असली उनका स्थान है, उनकी पोजीशन है, उससे अवगत कराते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। जब जगन्नाथ जी का इस प्रकार से निर्देश होता है तो ये बाबा जी रघुनाथ दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और भक्ति विनोद ठाकुर उनको अपना रियल जो स्वरूप है वो उनको दर्शन कराते हैं। इसी प्रकार पुरी में एक चरणदास बाबा जी थे, उन्होंने एक नई तरीके की गलत प्रणाली का प्रचलन किया। उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसको तो सिर्फ जप करना चाहिए, लेकिन कीर्तन में हमें कहना चाहिए हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। ये पूरी तरीके से गलत अपसंप्रदायिक बात थी, इसका खंडन भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। उनको बहुत डांट लगाया, 4 दिन तक उनको प्रचार किया और उनको सिद्धांतों में समझाया कि हम इस प्रकार से मंत्रों को क्रिएट नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, जो हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्रों में दिया गया है उसी का हमें पालन करना पड़ेगा। 4 दिन तक इस प्रकार से समझाने के बाद चरणदास बाबा जी महाराज को इस बात को समझ पाए, लेकिन फिर भी वो शायद पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुए थे या कुछ ऐसी बात थी। 6 महीने के अंदर ही वो पागल हो गए और उनका फिर देहांत हो जाता है। उसी दरमियान जिस समय वो पुरी में थे, वहाँ का जो पुरी का राजा था उसने 80,000 रुपये का गमन किया मंदिर के फंड में से। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक युक्ति निकाली उसको सुधारने की। उन्होंने जगन्नाथ जी का भोग 52 बार एक दिन में शुरू करवा दिया। इस प्रकार से जब 52 बार जगन्नाथ जी का भोग लगने लग गया तो वो जो धन उसने मिसअप्रोप्रिएट किया था, गमन किया था, वो जल्दी जल्दी कंज्यूम होने लग गया। तो राजा को बहुत क्रोध हुआ, उसने एक तांत्रिक यज्ञ का आयोजन कराया जिसके 1 महीने का यज्ञ अरेंज कराया जिसके अंत में भक्ति विनोद ठाकुर का निधन होना था। तो 1 महीने तक वो यज्ञ चलता रहा और 1 महीने के अंत में उस राजा का पुत्र स्वयं मर गया और भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार की अप्राकृत शक्ति का दर्शन कराकर भी उन्होंने कई लोगों को सुधार किया। स्वयं पुरी मंदिर के अंदर बहुत सारी अव्यवस्था थी, बहुत सारे गलत तरीके के काम होते थे, तो उन्होंने उन पर अंकुश लगाया। वहाँ की जो प्रसाद व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित कराया, वहाँ पर नित्य प्रसाद लगने लगा। वहाँ पर एक मंडप का निर्माण कराया, भक्ति मंडप का निर्माण कराया जहाँ पर हर रोज नित्य भागवत कथा की जाने लगी। तो मैंने आपको बताया था कि क्यों ये जो हमारा पतन हुआ था वैष्णव समाज के अंदर वो क्यों हुआ था, क्योंकि सिद्धांतों की चर्चा होना बंद हो गई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या काम किया, सिद्धांतों के आधार पर भक्ति की गरिमा को पुनः स्थापित किया। तो ये भक्ति भवन या भक्ति मंडप का जो आयोजन है वो क्यों किया गया, ताकि भक्ति के सिद्धांतों को वहाँ पर डिस्कस किया जा सके, ताकि जो वैष्णव जो सिंसियर हैं, जो सिंसियरिटी के साथ भक्ति को अपनाना चाहते हैं, उनको मौका मिले सिद्धांतों को समझने का और कोई उनको ठग ना सके। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना करी। एक उन्होंने पुस्तक लिखी 1896 में, 1896 एक बहुत ही महान साल है, कोई बता सकता है क्यों? श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव जिस साल हुआ है उसी साल चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उन्होंने एक छोटी पुस्तिका लिखी और उस पुस्तिका को पूरे विश्व में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में उन्होंने भेजा ताकि लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से अवगत हो सके। उन्होंने 3 भविष्यवाणियां करी। क्या भविष्यवाणियां करी? पहली भविष्यवाणी ये करी कि बहुत ही जल्दी
एक ऐसा समय आएगा जब एक महान भक्त, सेनापति भक्त इस धरा पर प्रकट होगा और वो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को पूरे विश्व में ले जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी क्या करी, बहुत समय ऐसा समय आएगा, बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब सारे विश्व के लोग, अमेरिकन्स, फ्रेंच, इंग्लिशमैन, जर्मन्स और सभी देशों के लोग एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर जय शचिनंदन, जय शचिनंदन, जय शचिनंदन, गौर हरि, इस प्रकार से कीर्तन करेंगे चैतन्य महाप्रभु का। तीसरी भविष्यवाणी क्या करी, मायापुर धाम में आकर ये अलग अलग देशों के लोग आएंगे और यहां पर भी बंगाली भक्तों के साथ मिलकर ये कीर्तन क्या करेंगे। तो ये तीन भविष्यवाणी उन्होंने कब करी, 1896 के पहले ये भविष्यवाणी करी और उसके ठीक 100 साल बाद हमारे मायापुर मंदिर के अंदर 3000 विदेशी भक्त, 1000 बंगाली भक्तों के संग यही कीर्तन कर रहे थे, जय शचिनंदन, जय शचिनंदन, जय शचिनंदन, गौर हरि। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर एक एम्पावर्ड पर्सनैलिटी थे, एक दिव्य पर्सनैलिटी थे जो एक विशेष प्रयोजन के साथ इस धरती पर आए और उन्होंने वैष्णवों की गरिमा को स्थापित किया यहां पर इस संसार के अंदर। भक्ति विनोद ठाकुर के लिए प्रणाम मंत्र एक लिखा गया है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय वरायते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसकी व्याख्या करते हैं, हालांकि वो उनके पुत्र हैं। 1874 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए थे संसार में, उनके चौथे बेटे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर की जो स्थिति थी उसको वो अच्छी तरीके से समझते थे, कभी भी उन्होंने उनको, भक्ति विनोद ठाकुर को अपने पिता के रूप में नहीं देखा। वो ये समझते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर गौरांग महाप्रभु की स्वरूप शक्ति के समान है, गौरांग महाप्रभु की स्वरूप शक्ति है। तो स्वरूप शक्ति क्या है, जैसे भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति क्या है, राधा रानी, तो इसी प्रकार गौरांग महाप्रभु की जो स्वरूप शक्ति है वो स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर हैं। और रूपानुगाय वरायते, रूप गोस्वामी के जो सबसे सर्वोत्तम, सबसे आगे अग्रणी जो शिष्य हैं, उनके जो अनुग हैं, उनके आगे जो सबसे चलने वाले जो शिष्य हैं, उनमें सबसे आगे जो नाम आता है वो भक्ति विनोद ठाकुर का आता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इन बातों को, इन सिद्धांतों को रखा सबके सामने और हम सभी को प्रेरित किया कि कैसे किसी भी अवस्था में भक्ति की जा सकती है। अगर आप लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर की दिनचर्या सुनी हो तो किसी भी गृहस्थ को ये नहीं लगेगा कि वो अपने जीवन की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। हम लोग ब्रह्मचारियों से सोचते हैं, हम सोचते हैं जो ब्रह्मचारी हैं उनको कितने महान उनके पुण्य हैं कि उनको ऐसा मौका मिला कि 24 घंटे वो भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान की सेवा में रत रह सकते हैं। और हमारे जैसे गृहस्थ जो गृहस्थ जीवन के उधेड़बुन में लगे रहते हैं, उनका क्या होगा, वो तो इतना समय नहीं दे पाते भक्ति में। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने स्थापित किया कि कैसे 24 घंटे गृहस्थ भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटों से कम लगने से भक्ति मिल जाएगी। जिस प्रकार एक ब्रह्मचारी 24 घंटे भगवान का चिंतन कर रहा है, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि गृहस्थ भी 24 घंटे भगवान की सेवा में रह सकता है। सिर्फ अपने आप को उस तरीके से ढालना पड़ेगा। अगर उनकी दिनचर्या सुने तो मात्र 2 से 2.5 घंटे वो सोते थे, 8 से 10 बजे के समय में शाम को वो सोया करते थे। आयुर्वेद के हिसाब से भी ये सिद्धांत है कि अगर 8 से 12, 9 से 12 के समय में हम सोते हैं तो हर घंटे में हमें 2 घंटे का आराम मिलता है। 12 बजे से 3 बजे तक हम जितना सोते हैं हर घंटे में हमें 1 घंटे को आराम मिलता है। 3 बजे के बाद हम जितना भी सोते हैं हमारे शरीर को हर घंटे में मात्र 1/2 घंटे का रिलीफ मिलता है। तो अगर आप सोचिए 9 से 12 कोई सोता है तो कितने घंटे सो लिया, वो 6 घंटे सो लिया, और 9 से 3 सो रहा है तो कितने घंटे सो लिया। प्रभुपाद कहते हैं कि 8 घंटे से ज्यादा जो सोता है वो तमोगुणी है। तो अगर 9 से 3 सोएगा तो कितने घंटे हो गए। तो एक्चुअली आप बिना 9 घंटे सोए 9 घंटे सो सकते हो अगर आप 9 से 3 की निद्रा लेते हो। तो खैर भक्ति विनोद ठाकुर तो महान आचार्य हैं, हम उनकी नकल नहीं कर सकते। वो तो मात्र 2 घंटे सोते थे, कितना समय, 8 से 10, 8 से 10 सोते थे। 10 बजे उठकर वो लिखते थे, 8.5 घंटे दिन में वो पुस्तकें लिखा करते थे। तो एक न्यायाधीश होते हुए, बहुत बड़ी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए भी उन्होंने 100 पुस्तकों का की रचना कर दी। महान महान कार्य किए, जो भी मैंने कुछ आपको बताए वो सारे कार्य उन्होंने किए। 6 घंटे अपना काम पूरी ड्यूटीफुली करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे।
गवर्नमेंट सर्वेंट्स आजकल जो उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं वो 6 घंटे का 6 मिनट भी काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो सही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन्होंने वैष्णवों की प्रतिष्ठा को वहाँ पर भी स्थापित किया। वैष्णव होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो भौतिक चीज़ें हैं आप उनको इग्नोर कर सकते हैं या आप उनका दुरुपयोग कर सकते हैं पोजिशंस का। एक्चुअली जब कोई वैष्णव किसी समाज के किसी भी काम में लगता है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको पूर्णतः अच्छे से करे, ताकि लोग ये ना कहें कि ये वैष्णवता के नाम पर ये हमारा फायदा उठाना चाहता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसे न्यायाधीश थे जो बहुत ही कम समय में निर्णय लेते थे। कोई भी व्यक्ति उनके सामने उलझुल बातें नहीं कर सकता था, वो तुरंत समझ जाते थे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि भक्ति के सिद्धांतों में पूरी पकड़ थी उनकी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है उर्दू में जो कि न्याय के ऊपर लिखी है, उन्होंने बहुत सारे विषयों पर लिखा है। एक इंग्लिश में एपिक लिखा है द पोरियड, वो कि पोरस और सिकंदर की मुलाकात के ऊपर करीब 12 पुस्तकों में उन्होंने लिखा था उसको 17 वर्ष की आयु में। तो भक्ति विनोद ठाकुर के इस प्रकार से कई कई तरीके के योगदान हैं। तो हम उनकी दिनचर्या की बात कर रहे थे, उनकी दिनचर्या से हर व्यक्ति गृहस्थ या ब्रह्मचारी ये इंस्पिरेशन ले सकता है कि किस प्रकार से हर समय हमें अपने आपको भगवान की सेवा में लगाना है। अपने जॉब को, जो कि उनका न्यायाधीश का जॉब था, उसकी जो पावर्स थी उन सब पावर्स को उन्होंने किस कार्य में यूज किया, भगवान की सेवा को किस प्रकार से और अच्छे से किया जा सकता है इस कार्य के लिए यूज किया। फ्री टाइम को, सारे फ्री समय को एक एक मिनट की कीमत रखते हुए एक एक मिनट को भगवान की सेवा में लगाया, पुस्तकों को लिखा, उसको पढ़ाया लोगों को। इसके बाद जो एक बहुत महान कार्य किया उन्होंने वो था गौरांग महाप्रभु की जन्मस्थली की खोज। अपने जो व्यवसायिक उनका जो जीवन था जब जिस समय नौकरी कर रहे थे उसके लगभग अंत में आकर जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो उस समय जगन्नाथ जी ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं लाया हूँ कि तुम यहाँ पर न्यायिक निर्णय लेते रहो, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम्हें और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करने हैं भक्ति के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस समय प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी से कि मुझे आपका एक निज परिकर चाहिए ताकि वो मेरी सहायता कर सके इस कार्य को करने में। तो 1874 में जगन्नाथ जी उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में अपने निज परिकर को भेजते हैं, जो कि पूरे जीवन उनकी सहायता करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के इस मिशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर हम सही मायने में देखें तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो गौड़िया मठ की स्थापना करी थी वो उसका पूरा पूरा कार्य यही था कि जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो सिद्धांत रखे हैं उनको सही तरीके से एस्टैब्लिश किया जा सके। भक्ति विनोद का क्या मतलब होता है? भक्ति विनोद का मतलब है भक्ति में जो आनंद हमें मिलता है वो है भक्ति विनोद। तो भक्ति विनोद बिना भक्ति सिद्धांत के नहीं मिल सकता। भक्ति और भावुकता के अंदर अंतर होता है। ज्यादातर भक्त क्योंकि सरल हृदय होता है और भक्त की परिभाषा ही यह है कि उसके अंदर भावना होनी चाहिए, बिना भावना के तो भक्त नहीं हो सकता। लेकिन उस भावना को एक बाउंड्री के अंदर हमें सिक्योर करना पड़ता है, एक वॉल के अंदर सिक्योर करना पड़ता है। अगर ये भक्ति की भावना निरंकुश होकर बहने लग जाए और उस पर सिद्धांत का अंकुश ना हो, सिद्धांतों के द्वारा वो भावना सिक्योर ना हो, तो वो क्या बन जाएगी? सेंटिमेंटलिज्म बन जाएगी, सिर्फ भावुकता, निरी भावुकता बन जाएगी। तो अगर हमें भक्ति विनोद को समझना है तो हमें भक्ति सिद्धांत वाणी को समझना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत के द्वारा ही हम भक्ति विनोद को समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को सिर्फ भक्ति विनोद में चाहता है बिना सिद्धांत के, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है और दूसरों को भी धोखा दे रहा है। इनफैक्ट जो 150 साल का समय था वो इसी गलती के कारण वैसा समय निकला कि लोगों ने भक्ति विनोद तो चाहा बट भक्ति सिद्धांत को किनारे कर दिया। तो भक्ति विनोद और भक्ति सिद्धांत ये भगवान की डिवाइन प्लानिंग का एक रिजल्ट थे जो यहाँ पर आए दोनों के दोनों, और उन्होंने सिद्धांतों को एस्टैब्लिश किया, दोनों ने ही सिद्धांतों को एस्टैब्लिश किया और सारे समाज में फिर से भक्ति की उन्नत स्थिति को स्थापित किया। उन्होंने एक विश्व वैष्णव समाज की स्थापना करी जहाँ पर सारे विश्व के उस समय जो महान वैष्णव थे वो जुड़े बाद में आकर। एक बार उन जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में रहते हुए उनके मन में ये प्रेरणा थी कि मैं गौरांग महाप्रभु की जो जन्मस्थली है उसकी खोज करूँ, क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी महाप्रभु की जन्मस्थली के बारे में। तो उन्होंने अपनी पोस्टिंग वहाँ नदिया डिस्ट्रिक्ट में कृष्णानगर के पास करवाई, और वहाँ जब वो एक दिन एक धर्मशाला में रह रहे थे तो उन्होंने एक दूर एक खेत में देखा कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें से बहुत वहाँ एक चमक सी आ रही है वहाँ से। तो अगले दिन सुबह वो वहाँ पर देखने गए तो वो स्थान में कुछ दिव्य बात उनको नज़र आई। फिर उन्होंने वहाँ की लाइब्रेरीज में जाकर अलग अलग जो पुराने नक्शे थे
नवदीप धाम के, उनको स्टडी किया और जो वहाँ पर उस समय पुराने समय के वैष्णव मौजूद थे उनके पास जाके कई सारी चर्चाएं करी, तब जाके उनको पता लगा कि वो जो दिव्य स्थान उन्होंने देखा था छत पे से वही स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। इस बात की पुष्टिकरण करने के लिए स्वयं जगन्नाथ दास जी बाबाजी महाराज वहाँ आते हैं और भक्ति विनोद ठाकुर उनको वहाँ लेके जाते हैं। तो जगन्नाथ दास जी बाबाजी महाराज उस समय 140 वर्ष के थे और एक टोकरी में उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, उनके शिष्य उनको टोकरी में उठाते थे और दूसरी जगह ले जाते थे, ये उनकी अवस्था थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको वहाँ पर इनवाइट किया कि आप आएँ और कृपा करके इस स्थान का निरीक्षण करें। तो जगन्नाथ दास जी बाबाजी महाराज जब वहाँ उस स्थान पर पहुँचते हैं तो वो 140 वर्ष के महाभागवत अपनी उस टोकरी में जो किसी के सर पर विराजमान थे वहाँ से कूद पड़ते हैं और कूद कूद के कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और पुष्टि करते हैं कि यही स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। तो वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर फिर बहुत प्रयास करते हैं, वो और जगन्नाथ दास जी बाबाजी महाराज मिलकर उस स्थान पर योगपीठ की स्थापना करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत एक प्रचलित पर्सनैलिटी थे, व्यक्तित्व थे, तो वो उस समय में एक न्यायाधीश होते हुए भी घर घर जाते हैं और लोगों से एक एक रुपए का दान लेते हैं ताकि उस मंदिर का निर्माण किया जा सके। और उस समय के कई सारे महान विभूतियां जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल सर्कल्स में थे या फिर बड़ी बड़ी पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर्स लिखा करते थे, जैसे बंकिम चंद चट्टोपाध्याय, आनंद बाजार पत्रिका एक वहाँ पर बंगाल की बहुत महान पत्रिका मानी जाती है, आज भी चलती है, उसके जो मुख्य एडिटर थे वो उनके बहुत अच्छे उनको सराहते थे, उनके कार्यों को सराहते थे, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ये महान कार्य किया, चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली हम लोगों के लिए उन्होंने ढूंढ के रखी। उनको क्या, उनको तो पता है ना चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली कौन सी है, वो तो वहीं से आए हैं, लेकिन हमें नहीं पता। तो हमें चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली पर जाने का मौका कैसे मिलता अगर भक्ति विनोद ठाकुर उसकी खोज नहीं करते, हमें कैसे ये भक्ति के सिद्धांत मिलते अगर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत को संसार में लेके नहीं आते और उन सिद्धांतों को हमें हमें प्रदान नहीं करते। तो इसीलिए हमें इस निधि को, इस खजाने को जो हमें मिल गया है, उसको अच्छे से उसका उपयोग करना चाहिए। अपने इस मनुष्य जीवन को जो बहुत मुश्किल से मिला है उसका पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए। मैं आप लोगों को जो भी बातें कह रहा हूँ वो मैंने इस महान ग्रंथ भक्ति सिद्धांत वैभव में पढ़ी हैं। ये हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ है। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपको एक किस्सा बताता हूँ। अभी राधाष्टमी के दिन हम लोग बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो एक वैष्णव आए मेरे पास, वो अभी इनिशिएटेड नहीं है, उनकी दीक्षा तक नहीं हुई है। तो हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे किताबों की और भक्ति सिद्धांत वैभव की बात शुरू हो गई। तो वो भक्त बोलते हैं कि भक्ति विकास स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद की बहुत महान सेवा करी है इस किताब को लिखकर। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभुपाद की सेवा कैसे करी है इस किताब को लिख के, ये किताब तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में है। तो वो मुझे बोलते हैं कि अगर कोई मेरी प्रशंसा करे, हमारी प्रशंसा करे तो मुझे बहुत आनंद होता है, लेकिन अगर कोई मेरे गुरु की प्रशंसा करे तो मेरा आनंद का कोई पारावार नहीं रहता है। तो महाराज ने इस किताब को लिखकर श्रील प्रभुपाद के गुरु की प्रशंसा करी है। तो आप सोचिए श्रील प्रभुपाद को कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा जब ये किताब आई होगी। तो मैंने भी, मतलब मेरे को ये इस तरीके का रियलाइजेशन नहीं हुआ था इस किताब की, अगर सारी नहीं तो कुछ ग्लोरीज मैं जानता हूँ, लेकिन इस तरीके से जब उस भक्त ने मुझे कहा जो कि एक अनइनिशिएटेड भक्त है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है कि किस प्रकार से अपने गुरु के गुरु की प्रशंसा कर कर उन्होंने अपने गुरु का हृदय पूरा का पूरा आनंद से भर दिया होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस किताब में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके मुख्य निर्देशों के बारे में अच्छे से बताया गया है। इस किताब को पढ़कर पहला जो काम होता है वो ये कि हमारे हृदय में हमारी महान परंपरा के बारे में जानकारी आती है, हमारी महान परंपरा के बारे में हम समझ पाते हैं कि हम किससे कनेक्टेड हैं, ये कैसी परंपरा में हम डिजर्व नहीं करते यहाँ होना, लेकिन हमें करुणावश गुरु कृपावश इस परंपरा में जुड़ने का मौका मिल गया है। ये बहुत महान निधि है। इसमें उनकी मुख्य राइटिंग्स हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में चर्चा है। तो आज के दिन अगर कोई व्यक्ति इसको लेना चाहता है तो ज़रूर लें आप इसको। अगर ज़्यादा लोग लेना चाहते हैं तो हम आपको लिए कॉपीज अरेंज करा सकते हैं। और इसके साथ ही 9:05 हो गए हैं, 9:15 तक की मेरे को
परमिशन है, तो कोई प्रश्न अगर किसी का हो, कोई समीक्षा हो। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, सॉरी एक बात मेरे रह गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग, आप सभी ने श्रेयस और प्रेयस के बारे में सुना होगा, है ना? यहाँ पर सब आते हैं, लेक्चर सुनते हैं, सबको पता है कि श्रेयस क्या होता है, प्रेयस क्या होता है। प्रेयस का मतलब होता है कि जो इमीडिएट बेनिफिट के लिए हम काम करते हैं, और श्रेयस का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए काम करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक महान आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा कि भक्ति जो है वो श्रेयस, सिर्फ श्रेयस नहीं है, वो प्रेयस भी है। आप इस बात को समझने का प्रयास करें। हम लोग जब बोलते हैं इमीडिएट बेनिफिट, तो हम सोच सकते हैं कि मान लो कोई बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है तो उस पढ़ाई करने से उसको शायद कुछ इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा, या मान लीजिए कोई चॉकलेट खा रहा है और उसको चॉकलेट खाना पसंद है तो उसको इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा। हम चॉकलेट खाने की पसंदगी को और चॉकलेट खाने की क्रिया को हम इमीडिएट बेनिफिट कहते हैं। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इमीडिएट बेनिफिट क्या है और बड़ा बेनिफिट क्या है। वही बच्चा अगर पढ़ाई करेगा तो लॉन्ग टर्म में पढ़कर, सो कॉल्ड भौतिक समाज में पढ़ाई कर उसको एक अच्छा जीवन मिलेगा, तो ये उसके लिए श्रेयस हो जाएगा, और चॉकलेट खाना उसके लिए प्रेयस हो जाएगा। इस तरीके से हम इस चीज़ को समझते हैं। यानी चॉकलेट खाने की क्रिया को या किसी भी प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन की क्रिया को हम बेनिफिट तो कहते हैं, हम बस ये कहते हैं कि वो इमीडिएट बेनिफिट है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने कहा कि इमीडिएट बेनिफिट सिर्फ कृष्ण भक्ति ही है, भक्ति के अलावा किया गया कोई भी कार्य बेनिफिट है ही नहीं। तो ये आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आई डोंट नो मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। तो प्रेयस भी सिर्फ भक्ति है, श्रेयस तो भक्ति है ही है, बट प्रेयस भी सिर्फ भक्ति है। इमीडिएट बेनिफिट का कार्य अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं आप, तो आपके पास कोई भी प्रकार का इमीडिएट बेनिफिट नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत महान चीज बताई कि हाँ, प्रेयस भी भक्ति है। इस प्रकार से भी लोग सोचते हैं, इस प्रकार से भी वैष्णव सोचते हैं। ओके, हरे कृष्णा। मैं यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ, और अगर किसी की कोई समीक्षा, कोई कुछ ऐड करना चाहें तो कृपया करके।